हे एवरी वन वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सो आज हम सीखने वाले हैं बहुत कॉमन चीज़ एंड बहुत काम आने वाली चीज़ सो so, मैं बता देता था आपको जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा कट कॉपी एंड पेस्ट जो कि बहुत काम आने वाली चीज़ है हर कोई इसे यूज़ करता है एंड बहुत यूज़फुल चीज़ है ये हमारी तो मैं आपको बताता हूँ अगर हमें की बोर्ड से कट कॉपी पेस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे सो so, सबसे पहला केस मैं चाहता हूँ यू शुड वॉच पनीशर को मैं कॉपी करना चाहता हूँ एंड पेस्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में सो so, मैं क्या करूँगा पहले मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा है अगर आपको ये चेक करना है कि डिफरेंट डिफरेंट वेज़ क्या है लाइन्स को सेलेक्ट करने के लिए टैक्स को सेलेक्ट करने के लिए तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप सीख सकें कि, कि कितने सारे तरीके हैं अगर हमें टेक्स को सेलेक्ट करना है हम वर्ड में तो तो मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर ली है एंड मेरे को इसको कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा तो शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस सी तो देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया है एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ तो हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया है नाउ अब मैं प्रेस करता हूँ हमारी शॉर्टकट की पेस्ट करने के लिए वो है हमारी कंट्रोल प्लस वी वी फॉर विक्ट्री तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा कॉपी हो गया है ऊपर वाला ही तो ये थी हमारी कॉपी एंड पेस्ट की कमांड नाउ अब मैं बताता हूँ आपको कॉपी एंड कट की कमांड तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस लाइन को एंड इस लाइन को मैं करता हूँ कट तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स तो यहाँ पे देखिए हमारी लाइन जो हो गई है वो कट हो गई है देन मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ थर्ड लाइन में तो नाउ जो शॉर्टकट की है जैसे कि मैंने पहले बताई थी वो है हमारी कंट्रोल प्लस वी तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है जो फर्स्ट लाइन का टेक्स्ट था वो सारा का सारा हमारा थर्ड लाइन में आ गया है तो ये है हमारी कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज नाउ अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको एम एस वर्ड में ये ऑप्शन देखने हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगे सपोज़ अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है या आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है और तब आपको ये काम करना है तो आप कैसे करेंगे सो so सपोज़ ये जो पनिशर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ नाव अब मेरे को इसको कट करना है एंड कट करके मेरे को कहीं और पर पेस्ट करना है तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है देन अब हम आते हैं यहाँ क्लिप पर जो होम टैप के अंदर यहाँ पर जो ग्रुप है क्लिप उसके अंदर ऑप्शन है हमारे उसके अंदर ऑप्शन है हमारा कट का तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये लिखा है कट और यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी आइकन के ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी आएगी एंड साथ ही साथ उसकी शॉर्टकट कीज भी आएंगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो पनीशर लिखा है वो हमारा कट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लिक करते हैं यहाँ पे क्या हुआ पनीशर जो है हमारा कट हो गया है ना मैं पेश करना चाहता हूँ इसे प्राइम के नीचे तो देखिए जैसे मैंने एंटर कराया हमारा कर्सर नीचे आ गया है नाव तो मैं करना चाहता हूँ पेस्ट तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए क्लिप के अंदर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है मैं इस पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया है पनीशर नाव मैं सेलेक्ट करता हूँ इस पनीशर को एंड पनिशर को सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कॉपी तो देखिए यहाँ पे क्लिप में हमारा आ रहा है कॉपी तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड अब मेरे को जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा या अपने कर्सर को लेके जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पर अपने पनीशर को पेस्ट करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा है नाउ अब मेरे को क्या करना है इस पेस्ट पर क्लिक करना है तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो हमारा क्या आ गया है पनिशर आ गया सो दीज आर द वेज जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नाउ uh, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे सो so, अगर मेरे को सपोज़ ये वॉच पनिशर को डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड हमारे कीबोर्ड के अंदर एक की होती है वो होती है डिलीट की सो मैं इस डिलीट की को बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा क्या होगा जो वॉच पनिशर था वो हमारा डिलीट हो गया है ये चीज़ हम एक और बटन से कर सकते थे पहले मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ अंडू की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस जेड अंडू का मतलब होता है जो मैंने अभी लिखा हुआ था वो मेरे को वापस चाहिए तो मैं करूंगा अंडू तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस जेड तो देखिए यहाँ पे मेरा टेक्स्ट पूरा का पूरा वापस आ गया है नाव अब मेरे को इसको डिलीट करना है विदाउट यूजिंग द डिलीट की डिलीट की मीन्स डी ई एल आपके कीबोर्ड में लिखा होगा डी ई एल और काफ़ी कीबोर्ड में लिखा होता है डिलीट पूरा सो so, जो दूसरी की है वो है हमारी बैक स्पेस की तो so, जैसे ही मैं बैक स्पेस की को प्रेस करूंगा वैसे ही हमारा क्या होगा सारा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा सो so, ये सारी शॉर्टकट कीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके डॉक्यूमेंट को बनाने में सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैकेट क्लासेज एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स नेक्स्ट टाइम से वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें क्योंकि उसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं कि वीडियो के अंदर जो भी मैंने कंटेंट वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं सो so, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन बताए हुए होंगे